ये अबे यार, अरे हाँ ये बोला ना, ये पता चले ना। ये वाला है बोला, वो तो मंदिर का साथ बन गया ना इसका। अरे पागल है क्या, फोटो ही पागल हो गई दिख रहा है। ये रखा ही है दीदी, थोड़ा सा बातचीत बस। दीदी आज आप यहाँ ऑफिस से करने आई हैं, क्या कह रहे हैं? मेरी बहुत दिनों से इच्छा थी कि मैं इस स्थान पे आऊं, क्योंकि ये स्थान मेरे चित्त में आता था। तो मैंने एक बार नंद गोपाल जी से पूछा उनके नाम के बारे में, तो उनने नाम के साथ इस स्थान के बारे में मुझे बताया। तो मेरी 2-3 वर्ष से इच्छा थी, तो कल रात को मैंने फ़ोन किया नंदी जी को और अपनी बहू को भी मैसेज किया मैंने सवेरे कि मुझे यहाँ पर मत्था टेकने आना है, उनको जल चढ़ाना है। यहाँ कूप भी है एक, और ये जो स्थान है ये सरस्वती है, क्योंकि एक तरफ यमुना जी हैं, एक तरफ गंगा जी हैं, और ये सरस्वती जी पर ही प्रयाग बसा हुआ है, इसलिए बुद्धिमानों का शहर है। आप सब बुद्धिमान लोग हो जो इसके ऊपर वास करते हैं। हमने सरस्वती जी की खोज कर ली थी, और जो नदियों के विशेषज्ञ थे उनने उस खोज को जस्टिफाई किया था, और वो रिपोर्ट मैंने सबमिट कर दी थी, सबमिट हो गई हमारे मंत्रालय में कमेटी के द्वारा। उसको वो पब्लिक डोमेन में भी आ चुकी है कि यहाँ सरस्वती में आज भी जल है नीचे, लेकिन वो जल अंतर्निहित है। और ये काम बहुत ऐसे प्रोफेसर वाल्डियान, जो विश्व के इसी विषय के विशेषज्ञ थे, जिनको कोई चुनौती नहीं दे सकता था, उन्होंने सरस्वती की खोज की थी हमारे कहने पर, हमारे मंत्रालय के कहने पर। वो अभी पब्लिक डोमेन में मौजूद है, और हमारी तैयारी थी कि जहाँ जहाँ सरस्वती का ट्रेस मिलता जाए, क्योंकि एक सरस्वती का ट्रेस मिलता है जो आदि बद्री से धौलावीरा जाता है, और एक ट्रेस मिलता है, ये भी मैं आपको आज बोल के जा रही हूँ प्रामाणिकता से, कि गंगा और यमुना के बीच में से भी एक धारा उधर को चली गई और एक धारा इधर को आ गई थी, और वो धारा बहुत अंतर्निहित होती गई, लेकिन उसके अंतर्निहित होने के प्रमाण लगभग डलमऊ तक मिल गए थे। उसके बाद मेरा मंत्रालय बदल गया, और मैंने सबमिशन हो चुका था, लेकिन कमेटी की रिपोर्ट का सबमिशन हो चुका था मंत्रालय में। आज की स्थिति क्या है ये मुझे अभी नहीं मालूम, लेकिन मैं ये पूरी प्रामाणिकता से कह सकती हूँ कि सरस्वती जी सूखी नहीं हैं, वो किसी वजह से यहाँ अंतर्निहित हैं, यानी ये जो प्रयाग नगरी है इसमें कहीं अंतर्निहित हैं, लेकिन पानी वाटर लेवल है वो शायद 1000 मीटर से भी नीचे पहुँच गया है, लेकिन है सरस्वती जी मौजूद हैं, और शायद ये स्थान भी इसी के कारण महिमाशाली है। ये कूप भी यहाँ पर एक है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज मुझे यहाँ पर ये मौका मिला है, मैं आप सबके कल्याण के लिए, आप सबके लिए और प्रयाग के लोगों के लिए जो सरस्वती के ऊपर उनकी गोदी में ही बैठे हुए हैं प्रयाग के लोग, सरस्वती के, उन सब के कल्याण के लिए कामना करती हूँ।